हुनाई में बेनतीजा रही शिखर वार्ता, एटमी हथियार पर ट्रंप और किम में नहीं हुआ करार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता से मुलाकात से पहले कहा था कि उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है, परिणाम में थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि हुनाई में ट्रंप और किम के बीच किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सका। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच एटमी हथियार को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हो सका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के बीच वियतनाम की राजधानी हनोई में गुरुवार को हुई शिखर वार्ता बेनतीजा रही और दोनों में कोई करार नहीं हो सका। इन दोनों नेताओं के बीच यह दूसरी शिखर मुलाकात थी। बुधवार के बाद गुरुवार को भी दोनों नेता वियतनाम की राजधानी हनोई में शिखर सम्मेलन में मिले, लेकिन उसका ठोस परिणाम नहीं आ सका। दोनों नेताओं के बीच दूसरा शिखर सम्मेलन पिछले साल सिंगापुर में हुई अपनी पहली बैठक के 8 महीने बाद हुई। दोनों नेता गुरुवार को हनोई में अपने सहयोगी के साथ एक गोल मेज पर एक साथ बैठे। अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मिक मलवनी भी उपस्थित रहे, जबकि किम के साथ उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री योंग हो और वरिष्ठ अधिकारी किम योंग चोल शामिल हुए। ट्रंप और किम पहले दिन औपचारिक बातचीत से पहले और बाद में डिनर के लिए भी मिले। इस दौरान दोनों देशों के नेता उत्साहित दिखाई दिए। विश्लेषकों का मानना है कि हनोई में उनकी इस बैठक में ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा हकाबे ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच अच्छे और रचनात्मक माहौल में मुलाकात हुई। उनके बीच कोरियाई महाद्वीप के परमाणु निशस्त्रीकरण और आर्थिक मामलों पर बातचीत हुई।